दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को एकात्मता सप्ताह के रूप में शोध पीठ के सभागार में आयोजित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे एकात्मता सप्ताह के चौथे दिन एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन और विचारों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिए। इस मौके पर संयोजक के तौर पर विश्वविद्यालय के अध्यापकगण डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर राजू कुमार गुप्ता और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर नी से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के निदेशक संजीत कुमार गुप्ता ने कहा, जैसा कि ये सबको ध्यान में है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर हम लोग जो है एक दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म जो मानव दर्शन है उसको ध्यान में रखते हुए एकात्मता सप्ताह मना रहे हैं। उस सप्ताह के आज चौथे दिन हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर छात्र छात्राएँ विश्वविद्यालय जो हैं वो दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन तथा दीनदयाल जी का जो है आर्थिक चिंतन, दीनदयाल जी का जो सामाजिक चिंतन है उस पर निबंध प्रतियोगिता के लिए एकत्र हुए हैं। पहले से इनको तीन विषय हम लोगों ने सूचना कर दिए थे, इन तीनों विषय पर यहीं पे बैठ कर वो दीनदयाल जी के ऊपर लेख लिख रहे हैं और जो बेहतर लेख होगा जिन छात्र छात्राओं का उनको हम लोग पुरस्कृत करने की भी योजना रखे हैं। यह कार्यक्रम आज जो है चौथा दिन है।